नमस्कार, हम देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड में कॉम्पटन इफेक्ट पार्ट टू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट देखा था और हमने ये देखा था कि कॉम्पटन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को प्रमाणित किया और उन्होंने ये प्रदर्शित करके कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एकवर्णी विकिरण के तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। कॉम्पटन ने निश्चित तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी एक्सरे को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने पर डाला और एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर यह पाया कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है। इन कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं कहा गया और इस परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहा गया और तरंग दैर्ध्य में ये जो विस्थापन है उसे कॉम्पटन विस्थापन कहा गया। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है और इस टारगेट इलेक्ट्रॉन से ये फोटोन टकरा रहा है और हमने कल देखा था कि इस फोटोन की एनर्जी टकराने से पहले एच न्यू है, मोमेंटम ये है, टारगेट इलेक्ट्रॉन जिसकी की एनर्जी एम जीरो सी स्क्वायर है, इसका मोमेंटम जीरो है और जब ये टकराते हैं तो ये बिल्कुल विलियर्ड गेंदों की जैसे टकराते हैं। फोटोन ऊपर गया और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन नीचे आया और इस फोटोन की जो ऊर्जा है वो एच न्यू डैश है, इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी है और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एम सी स्क्वायर है और उसका मोमेंटम एम वी है। ये सब हमने देखा था और इसका हमने एंगल भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगल है वो फाई है जबकि फोटोन का एंगल को हमने थीटा से शो किया। ये सब हमने कल देखा था और उसके बाद हमने इसका डेरिवेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हमने इसका डेरिवेशन निकाला था और हमने यहाँ तक देखा था कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 8 तक हमने कल देख लिया था, यहाँ तक ये इक्वेशन नंबर 8 तक हमने देख लिया था। अब देखिए, ये इक्वेशन 8 तक हमने कल देख लिया था, अब हम वापस इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। आप देखिए अपनी नोट्स में इक्वेशन नंबर 1, उसको हमने इस तरह से लिखा है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 9 का स्क्वायर करते हैं तो मान लो कि ये वाली जो टर्म है इसको हम ए कहते हैं और इस वाली टर्म को अगर हम बी कहें तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से इसका जो स्क्वायर है वो इस तरह से होगा, एम स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना, तो एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस टू एच, क्योंकि 2ab होता है ना, तो ये a और b ना, तो 2h न्यू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 हो गई। अब इस इक्वेशन 8 को हम 10 में से घटाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो ये है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश विद इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट क्लोज एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 हो गई। अब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रॉन के मास और रेस्ट मास में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से है, m इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 12 हो गई। और इस इक्वेशन नंबर 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे
तो हमारे पास ये आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और हम लिखेंगे एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये सॉल्यूशन आ गया, ये इक्वेशन नंबर 13 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 13 से हमने जो एम स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो हम इस इक्वेशन नंबर 11 में इसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस टू एच न्यू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश विद इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो, ये कंफर्म कर लेते हैं, एम जीरो सी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये रह गया है एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो, यहाँ पर एम जीरो सी स्क्वायर आएगा प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये आ गया। और हम इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एम जीरो स्क्वायर सी फोर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाली इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला तो जीरो हो गया आपका, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो हमारी ये वाली टर्म रह गई केवल, और इस टर्म को हमने रीअरेंज करके लिख दिया तो ये हो गया, इधर वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट कर दिए तो ये हो गया टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ केवल एच बचा है, एच न्यू न्यू डैश वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, और एच अपॉन एम जीरो सी विद इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इन टू सी, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी विद इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है, तो इसलिए डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी विद इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, और हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू होता है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू टू एच अपॉन एम जीरो सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। यहाँ डेल लैम्डा को कॉम्प्टन शिफ्ट कहते हैं, डेल लैम्डा न तो पदार्थ की प्रकृति पर और ना ही इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ये तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है, यानी ये जो है ये डिपेंड करती है कि जो भी आपने प्रकीर्णन के कोण थीटा पर ये निर्भर करती है, ठीक है। अब अगर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री लें, यानी इंसिडेंट फोटोन स्कैटर्ड फोटोन के पैरेलल हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारे पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू टू एच अपॉन एम जीरो सी, और हम थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, यानी डेल लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी स्कैटर्ड रे की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। दूसरी कंडीशन, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करें, तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट फोटोन के परपेंडिकुलर स्कैटर्ड फोटोन जाता है,
तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, यानी साइन स्क्वायर 45, और ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका ये जो डेल लैम्डा इज इक्वल टू 2H/m0c इंटू 1/2, यानी H/m0c, H की वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाय m0 की वैल्यू है 9.10 इंटू 10⁻²⁸ और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻¹0। तो ये वैल्यू जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉन, यानी जो डेल लैम्डा आया वो आया 0.0242 एंगस्ट्रॉन। तो ये इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो आती है 0.0236 एंगस्ट्रॉन। तो ये जो वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू वो इस वैल्यू से मैच खा रही है, इंसिडेंट फोटोन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड के लिए डेल लैम्डा के इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्टन वेवलेंथ कहा जाता है। अब अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करें तो इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड फोटोन जाता है, और ये वैल्यू पुट करने पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, थीटा की जगह हमने अगर 180 रखा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 और वो इक्वल टू 1 होता है। और ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे डेल लैम्डा इज इक्वल टू 2H/m0c इंटू 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 × 0.0242 और जो कि इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉन आए। तो इस तरह से हमने 3 कंडीशन लगा के और हम इसको हल कर लेते हैं। ये कॉम्प्टन इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब आप इसके डिटेल में बैठ के आप इसको पढ़िए। थैंक यू।